नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्णिवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 12 पढ़ा, जो कि आपका वन लाइनर किताब है। और अभी हम लोग इस किताब से इंडियन पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था पढ़, जो कि आपका क्लास 6 12 है, ठीक है। और ये आपका रिविजन वीडियो है, ठीक है। तो ये आपका रिविजन वीडियो चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का भारतीय राजव्यवस्था का चैप्टर नंबर 17, जो कि आपका होगा राज्यपाल से संबंधित वन लाइनर और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 17, राज्यपाल गवर्नर आ गया, ठीक है। तो देखते हैं इसको, इसका जो भी आपका दिया गया यहाँ पर। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की प्रति में किस देश का अनुसरण किया गया, तो कनाडा देश का अनुसरण किया गया। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आपका राज्यपाल होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है, तो आर्टिकल 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 1/6, ठीक है, जितना सीट है उसका 1/6 किया जाता है, ठीक है। और यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा, उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा, उसी तिथि को उसका संसद अथवा विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तब राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा में 17वां आसन, तो प्रोरोगेशन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपका राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल किसके सलाह पर, तो राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है, तो आपका उच्च न्यायालय के सलाह पर, ठीक है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते सैलरी एंड अलाउंसेस किस निधि पर जाता है, आपका राज्य की संचित निधि पर सैलरी एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं। भारत के संविधान में, तो भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, ठीक है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो राज्यपाल किस आर्टिकल के अंतर्गत, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो आपका आर्टिकल 201 के तहत। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है, तो आपका 3,50,000 रुपये है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आपका रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। साथ में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति का भी योग होता है, ठीक है। तो साथ में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति का भी योग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, तो राज्यपाल किसको किसको रिक्रूट करता है, रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है। राज्य के लोक सेवा आयोग, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, तो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विश्वविद्यालयों के उप कुलपति वाइस चांसलर का नियुक्ति करता है और राज्य वित्त आयोग के गठन का करता है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग गठन करता है, ठीक है। राज्यपाल उच्च न्यायालय की, तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ठीक है। तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ठीक है। और राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। अब जम्मू काश्मीर के उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। राज्य विधानसभाओं में रांगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 333 के द्वारा किया गया है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, तो आपका इधर अनुच्छेद, इधर आपका प्रावधान, ठीक है। तो आर्टिकल 153 जो है राज्यों का राज्यपाल होना चाहिए, तो आर्टिकल 153 में बताया गया कि राज्यों का राज्यपाल होना चाहिए। आर्टिकल 154 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य होना चाहिए। आर्टिकल 161 में क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति होनी चाहिए। आर्टिकल 163 में क्या कहा गया, तो मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। आर्टिकल 200 में क्या कहा गया, तो राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति होनी चाहिए। आर्टिकल 201 में क्या है, तो राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ
सुरक्षित रखना है। आर्टिकल 213 तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की अपील शक्ति, और आर्टिकल 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 233 में, ठीक है। तो राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद क्या थे एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो आपका राज्यों का राज्यपाल, ये आपका अनुच्छेद 153 में कहा गया, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में नीत होना 154 में आर्टिकल, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के का आर्टिकल 160 में, क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार के या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति आर्टिकल 161 में, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना आर्टिकल 163 में, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति आर्टिकल 200 में, और राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रखना आर्टिकल 201 में, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में, और आपका आर्टिकल 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी, ठीक है, सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो आपका चैप्टर नंबर 18 होगा, तो आपका चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 18 होगा राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर से आपका जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है या फिर आपका इंपॉर्टेंट वन लाइनर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।